युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3 दिन प्रदेश के अलग-अलग जिलों के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। पहले दिन गुरुवार को भोपाल जोन के 18 जिलों में करीब 38,000 सदस्यों ने ऑनलाइन वोटिंग की। इसके बाद शुक्रवार को 17 जिलों की वोटिंग के बाद 12 दिसंबर को जबलपुर सहित अन्य जिलों में वोटिंग प्रक्रिया की गई। 7 साल के बाद हो रहे यूथ कांग्रेस के इस संगठन चुनाव को लेकर युवाओं में खासा जोश दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश महासचिव और जिला अध्यक्षों के लिए प्रदेश के करीब 5 लाख युवा कांग्रेस सदस्य वोटिंग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में मालवा चंबल के युवा नेताओं के बीच जबलपुर की 2 महिला नेत्री भी शामिल है। शहर अध्यक्ष के लिए इस बार पूर्व अध्यक्ष जतिन राज, NSUI अध्यक्ष विजय रजक के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। 3 दिन बाद युवा कांग्रेस संगठन के चुनाव का परिणाम घोषित होगा। युवा कांग्रेस ने कोरोना काल को देखते हुए और युवाओं के बढ़ते हुए इंटरनेट और मोबाइल के कदम को देखते हुए ऑनलाइन ऐप के माध्यम से वोटिंग आज प्रारंभ करी है। यह प्रक्रिया सुबह 8 बजे से चालू हो गई है और शाम के 4 बजे तक चलेगी और लगभग 2 या 3 दिन में इसके पूरे प्रदेश के जिले के और विधानसभा स्तर के परिणाम आएंगे। जबलपुर से जिले से 6 प्रत्याशी हैं, विधानसभा वाइज अलग प्रत्याशी हैं, प्रदेश महासचिव के लिए लगभग 8-9 प्रत्याशी हैं और अध्यक्ष पद के लिए भी 2-3 प्रत्याशी, जबलपुर से 2 महिला नेत्री हैं। आज हमारे यूथ कांग्रेस के इलेक्शन की वोटिंग चल रही है। चुनाव प्रक्रिया में बदलाव है। इस बार पिछले बार बूथ में वोट डल रहे थे, इस बार ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम है और युवाओं में उत्साह है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वोटिंग का टाइम है। 3 दिन के बाद परिणाम है ऑनलाइन। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पलपल इंडिया।